Hi, I'm Srimant Nagaloje. I'm operation head at ABC Group. Actually, ABC Group जो है वो अविनाश शाटी सर ने स्टार्ट किया है 2014 से. एक्चुअली मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ, लास्ट थ्री ईयर से वर्क कर रहा हूँ. इन थ्री ईयर्स में जो है हमने बहुत कुछ मार्केट को चेंज होता हुआ देखा है. अब एक लाइन होता है, हम कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट अपडेटेड देन यू आर आउटडेटेड. तो सेम थिंग्स है, नए नए चीज़ें आते हैं मार्केट में, तो हमें अपडेट रहना पड़ता है वो हर एक स्किल्स के साथ. जैसे स्किल डेवलपमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो हम मोस्टली वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में. अब सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग रिलेटेड टू ऑल ब्रांचेस है, इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है, बाकी कुछ जनरल भी है कुछ. एबीसी ग्रुप जो है वो अफिलेटेड है अलग अलग एजुकेशन फ्रेंचाइजीज के साथ, जैसे कैड सेंटर है, लाइव वायर है, टेलीब्रेंस है और दूसरे भी कुछ है. ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उनके एक एक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. जैसे कैड सेंटर है, कैड सेंटर जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर्स में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ऐसे ब्रांचेस के जो भी सॉफ्टवेयर कोर्सेज होते हैं उसमें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है वो ग्लोबल बेस पे. कैड सेंटर जो है वो अराउंड 32 ईयर्स से वर्क करता है ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में. और अफिलिएशन के बारे में बात करते हैं तो कैड सेंटर जो है वो अफिलेटेड है हमारे गवर्नमेंट के साथ भी, जैसे स्किल इंडिया मिशन है, NSDC का जो मिशन है उसके साथ भी अफिलेटेड है. और कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ है जैसे NASSCOM है, इंडो अमेरिकन कोलैबोरेशन है. तो ये वर्क करता है ग्लोबली भी, 30+ कंट्रीज़ में इसके सेंटर्स है. तो हम इसके साथ अफिलेटेड है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए. जैसे सेकंड ब्रांड है लाइव वायर, वो भी कैड सेंटर के अंडर आता है, तो सेम अफिलेशंस उसको भी है. अगर हम तीसरे फ्रेंचाइजी के बारे में बात करते हैं टेलीब्रेंस के बारे में, तो टेलीब्रेंस जो है वो टेली कोर्सेज प्रोवाइड करता है एज अ टेक्नोब्रेंस का वो ब्रांड है. वो भी नेशनल लेवल पे पूरे उसके फ्रेंचाइजी वर्क करते हैं. तो हर एक इसमें आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी है, प्रॉपर ग्लोबल लेवल का सिलेबस है जो कि यूनिफॉर्म है हर जगह पे. जैसे करंट मार्केट के बारे में बात किया जाए तो एक्चुअली कैसे कि मार्केट ट्रेंड चेंज होते रहते हैं. जैसे हम नॉर्मली अब पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल यूज़ करते थे, अब रिसेंट में कैसे है कि हम शिफ्ट हो रहे हैं पूरा सोलार, इलेक्ट्रिकल ऐसे व्हीकल्स पे, ऐसे टेक्नोलॉजी पे जहाँ पे करंट का जनरेशन होगा सोलार बेस मैक्सिमम, या व्हीकल है तो उसको इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. हर एक व्हीकल अब ट्रेंडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग जो होगा अगले व्हीकल्स का तो इलेक्ट्रिकल बेस होगा, एक एक ओवरकम होगा नॉर्मल जो पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है. तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल अब नया है, फ्यूचर में आपके लिए आने वाला है, तो इसका भी हम जो है वो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं. हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी नाम से भी कोर्स चलता है जो कि कैड सेंटर के अंडर आता है. वेल ट्रेन और वेल एजुकेटेड, इसमें जो गैप है एक्चुअली वो वही है कि जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, तो इसके बीच को आपको फुलफिल करना है, वेल एजुकेटेड होना है, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ABC ग्रुप को. Hello everyone, myself Dipali Dabhade and I'm working in ABC Group as a center manager. I feel so proud and excited about my work. हर रोज़ जब मैं ऑफिस आती हूँ तो मुझे एक नया आइडिया जनरेट करना होता है कि आज मैं किससे मिलने वाली हूँ. कभी भी स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर कोई यूथ हो सकता है, या फिर वर्किंग पर्सन हो सकता है, कुछ भी. तो मुझे उनके हिसाब से, उन्हें जैसे चाहिए, उनका किस में एक्साइटमेंट है, उन्हें क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ये मुझे उन्हें अच्छे से सिंपल वे में समझाना होता है कि उनको जो चाहिए वो भी कंप्लीशन होना चाहिए और वो इजी लगना चाहिए. जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्शन करती हूँ तो आई ऑब्जर्व कि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है अबाउट देयर करियर, लेकिन मुझे उनको ये बात बतानी होती है, उसका एक राइट पाथ बताना होता है और आई फील सो प्राउड एंड एक्साइटेड अबाउट दैट. नाउअडेज आई हियर इंजीनियरिंग इज अ वेरी कॉमन क्वालिफिकेशन. सिविल इंजीनियर्स कैन क्रिएट द वर्ल्ड and about mechanical engineers, they can run the world. लेकिन without software, how is that possible? कोई भी qualification common नहीं होता है, या फिर ऐसे भी नहीं होता है कि नहीं engineers बहुत ज़्यादा हो गए. अगर ऐसे होता कि particular field में particular ही seats है तो फिर इतने ज़्यादा admission ही नहीं होते. Try to learn more softwares.
अगर आप मैकेनिकल के हो तो आप ट्राई करो कि मुझे दो से ज़्यादा सॉफ्टवेयर आने चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आप ये ट्राई करो कि मुझे प्लानिंग अगर करना है तो प्लानिंग में मुझे एक सॉफ्टवेयर या फिर दो सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होता है, मैं उसमें परफेक्ट कैसे वर्किंग करूँगा। लेकिन आपको जो काम करना है उसका एक प्रॉपर वे क्या होगा, उसका एक सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करती हूँ। अगर ऐसे लग रहा है आपको कि नहीं मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर मैं ये दोनों बीट में कंफ्यूज हूँ, तो मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप मुझसे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मैम मुझे ये वाला फील्ड करना है या फिर मुझे ये वाले फील्ड में करियर बनाना है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो आपको ये मैं अच्छे वे से बता भी सकती हूँ। या फिर आपको ऐसे लग रहा है तो मैं आपको एक ऑप्शंस भी दे सकती हूँ कि आपको ये ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए। मैं अलवेज आपके साथ, आपको आपका करियर चॉइस करने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपको पूरे पूरे अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर। नमस्ते, मैं प्राजक्ता चौधरी। आजकल कॉलेजेस में जो एजुकेशन पैटर्न है इंजीनियरिंग का, तो जब आप जॉब करने के लिए जाते हो या कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो वो सिलेबस करिकुलम जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है। हमको इंडस्ट्री में जो रिक्वायर्ड है वो होता है स्किल्स, और स्किल्स हमको जो है कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। जो एक फिक्स करिकुलम होता है वही सिर्फ हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ ABC ग्रुप में हम स्टूडेंट्स को अलग अलग टेक्नोलॉजीज में स्किल करते हैं, उनको इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो भी कंटेंट चाहिए वो हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे IT सेक्टर के लिए जो भी कोर्सेज होते हैं उसके बारे में आपको भी बताती हूँ। IT सेक्टर में जैसे कि हमको पता है सिर्फ प्रोग्रामिंग के बारे में हमने सुना है, जिसमें C++, जावा ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है। अभी बहुत सी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई है, जैसे कि पाइथन लैंग्वेज अभी इंडस्ट्री में बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये लैंग्वेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट आप करना चाहते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी रोबोटिक्स में भी यूज होती है, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है। दूसरा सेक्शन हमने जो सुना है ज्यादा करके वो होता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में फिर सिस्को के नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज होती है, या फिर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ऐसे नेटवर्किंग में भी बहुत सारे करियर पाथ्स आपको अवेलेबल होते हैं। फिर और जो सेक्शन वो बहुत ट्रेंडिंग आजकल है और जिसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलते हैं वो है इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग जो है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स, हर जगह पे अभी इथिकल हैकर्स की रिक्वायरमेंट है और उनकी सैलरी पैकेजेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी आप आपका करियर चूज कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अभी बहुत रिसेंट टेक्नोलॉजी है और जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स आती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, ऐसे बहुत ही एक वाइड ग्रुप है। अभी ये टेक्नोलॉजी है जो आगे के 20 या 30 साल आपके लिए बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाली है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे पास आते हैं, तो उनके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हमको क्या पाथ चूज़ करना चाहिए, या हमने जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो जो जॉब कर रहे हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनको उनका करेक्ट करियर पाथ वो चूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उस स्टूडेंट्स को या वो वर्किंग प्रोफेशनल्स को हम हेल्प करते हैं उनका बेस्ट करियर चूज़ करने के लिए। अभी ये बेस्ट करियर कैसे चूज़ होता है कि हम पहले तो उनका इंटरेस्ट जानते हैं, उसके बाद हम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जानते हैं या उनको कहाँ पे रिलोकेट वो होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, ये सारी बैकग्राउंड्स एनालाइज करके फिर हम उनको एक करियर पाथ सेट करके देते हैं, जिसमें वो फिर यहाँ पे स्किल होते हैं और स्किल होने के बाद फिर वो बाहर जाके जॉब कर सकते हैं या अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ना ही सिर्फ टेक्निकल नॉलेज देते हैं बल्कि उनको प्रोफेशनल नॉलेज या उनको बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये भी हम उनको सिखाते हैं, उनका कंपनी में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पब्लिक में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें भी उनको बहुत अच्छी तरह से सिखाई जाती है। प्लस हम स्टूडेंट को बहुत सारे एडेड एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम उनको कॉर्पोरेट के ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, हम उनको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो एक फुल फ्लेज पैकेज होता है कि कोई स्टूडेंट जो जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको भी वो फाइनल तक जाके एक अच्छा जॉब मिला सके या कोई अच्छा बिजनेस सेटअप कर सके। अगर आप भी कन्फ्यूज है
आपके जॉब के बारे में, या अगर आप भी कंफ्यूज्ड है कि क्या बिजनेस करना है, या आपका जो भी करंट बिजनेस है या करंट जॉब है वो अच्छी तरह से फ्लरिश नहीं हो रहा है, तो उसको एक अच्छी पाथ पे लेके जाने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी बेस्ट सूटेड पाथ होगा वो हम लोग डिज़ाइन करके देंगे। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम विशाल है और यहाँ पे मैं तकरीबन 2 साल से काम कर रहा हूँ और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना ये मेरा यहाँ पे काम है। तो जब मैकेनिकल की फील्ड की हम बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, है ना। हम देखते हैं कि स्टूडेंट पास आउट होते हैं लेकिन उनके पास कुछ ऐसा नहीं होता जिससे वो कुछ अलग दिखे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है हम उनकी हालत देख रहे हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इसकी वजह क्या है? हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है और कंपनियां जो है अभी वर्कर्स को निकाल भी रही है। तो ये कौन से वर्कर्स होंगे? क्या ये ऐसे वर्कर्स होंगे जो कंपनी के काम के नहीं है, या फिर काम के वर्कर्स को वो निकाल रहे होंगे? ऑब्वियसली वो उन्हीं वर्कर्स को निकाल रहे होंगे जो उनके कुछ काम के नहीं है। और तो और हम देख रहे हैं कि मैकेनिकल जो फील्ड है डे बाय डे बहुत ज़्यादा अपडेट हो रही है, लेकिन हमें जो एजुकेशन हमारे कॉलेजेस में मिल रहा है वो उस लेवल का नहीं है। हम देखते हैं कि हमें आज भी बहुत पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, और जब स्टूडेंट पास आउट होकर मार्केट में उतरता है तो वो उतना अपडेट नहीं होता है मार्केट के हिसाब से, और जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो फिर उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से अपडेट नहीं है, उसके पास वो स्किल्स नहीं है जो कंपनी को चाहिए। ये स्किल्स ही है जो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स अभी पास आउट हुए हैं, मोर देन 100 मेरे स्टूडेंट्स अब तक पास आउट है इस साल के। तो हम देखते हैं कि ये स्किल्स जो है यही रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट ये अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। तो हम ABC ग्रुप पिछले कई सालों से यही काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट को हम अपडेट रखें, मार्केट के साथ उन्हें चलाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है उन्हें हम एम्प्लॉयड बनाने की कोशिश में हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स होते हैं फिर उनके पास कोई स्किल नहीं होता, और घर पे ये सिचुएशन नहीं होती कि उसके बाद वो कुछ करे, अभी वो कमाने का उनका टाइम होता है। तो हम देखते हैं कि उनको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो हम उन प्रॉब्लम्स से उनको बाहर निकालना चाहते हैं, और हम ABC ग्रुप उन्हें एक स्किल्ड इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सालों से। अभी मार्केट के ट्रेंड की अगर हम बात करें, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मैकेनिकल इंडस्ट्री है जो अपडेट हो रही है, तो आप सभी को पता है EV के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपने सुना होगा। अभी कन्वेंशनल व्हीकल्स जो है जो IC इंजन पे बेस्ड है वो सारी व्हीकल्स जो है गवर्नमेंट बंद करने वाली है, क्योंकि उनसे बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट जो है हमारा ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है लॉन्च होने वाली है, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इसमें एक्सपर्टीज़ की बहुत सी कमी है, तो इस वजह से हमें ये देखने को मिलेगा कि फ्रेशर्स जो है इन्हें भी, अगर आपके पास एक स्किल है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, आपने कोई अच्छा सा कोर्स किया है या फिर आपके पास उसके बारे में बहुत सा नॉलेज है, तो कंपनी आपको हायर करने में हिचकिचाएगी नहीं, और फ्रेशर्स को भी बहुत ज़्यादा जॉब मिलने के चांसेस अभी बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लॉन्च होने से। तो अगर आप अपडेट नहीं हो और आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो हम आपको उसके बारे में गाइड करने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि हम ABC ग्रुप यहाँ पे मराठवाड़ा में, पूरे मराठवाड़ा में हम सबसे पहले हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको बैटरी डिज़ाइन या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन और बहुत से ऐसे सारे पॉइंट्स जो है हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में इसके जॉब्स कैसे रहेंगे, इसके बारे में भी हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अगर आप हमारे पास आते हो, आपको नीचे नंबर और एड्रेस दिया है, तो आप उस पर विज़िट कर सकते हो, हमें कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हो उस नंबर पर, और हम आपको बिल्कुल खुशी से मदद कर सकते हैं, हमें आपको मदद करने में खुशी होगी, आपको गाइड करने में हमें बहुत ही आनंद आएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आरती जोपे, मैं ABC ग्रुप में 1 साल से एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनर हूँ। ABC ग्रुप में डेली बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन आते हैं, वो पूछते हैं कि मेरा ये बिजनेस है, मेरा वो बिजनेस है, या फिर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी ये ब्रांच है, मेरी वो ब्रांच है,
मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का हूँ, या फिर कोई प्रोफेशनल्स है जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोई भी ब्रांच से आता है, उनकी फील्ड्स जो रहती है वो अलग अलग रहती है। कोई प्रोडक्शन में काम करता है, कोई मेंटेनेंस में काम करता है, कोई क्वालिटी में करता है। तो जो क्वालिटी प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस वाले लोग हैं उनका शिफ्टिंग में काम चालू रहता है, तो उनको उनका ऐसा कहना रहता है कि हम लोगों को R&D में जॉब चाहिए, तो R&D के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल डेली लोग लेके आते हैं, तो यही सभी सॉल्यूशंस पे गाइडेंस या फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम ABC बहुत सालों से कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेशर हो तो ABC ग्रुप में PLC स्काडा, मैटलैब, PCB डिजाइनिंग, एम्बेडेड डिजाइन, VLSI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप डिजाइनिंग में जाना चाहते हो तो फिर आप PCB डिजाइन, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग के लिए ECAD प्रेफर कर सकते हो, या फिर अगर आपको सबस्टेशन डिजाइनिंग या फिर उसका सिमुलेशन करना है तो फिर आप ETAP ये सॉफ्टवेयर प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको कोई डेवलपिंग फील्ड में जाना है तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स आप एम्बेडेड डिजाइन या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये दो ऑप्शंस आपके लिए है, या फिर MATLAB अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है। बायोमेडिकल फील्ड के लिए अगर आप इमेज प्रोसेसिंग में जाना चाहते हो तो MATLAB इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट पर्पज। अगर आप इलेक्ट्रिकल डोमेन में जाना चाहते हो और वो भी हार्डवेयर डोमेन में, तो डेवलपिंग के लिए PLC एंड SCADA, ये दो डोमेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PLC एंड SCADA ये दो मॉड्यूल मिला के अपने यहाँ पे 6 ब्रांड्स है, सीमेंस, सोमरॉन, एलन ब्रैडली, ABB, हनीवेल, डेल्टा, ये सभी ब्रांड्स PLC में अपने यहाँ पे मतलब ABC में अवेलेबल है। अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हो तो आप जरूर ABC ग्रुप को विजिट करिए। अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो या फिर स्टूडेंट हो, अगर आपको कोई भी करियर ओरिएंटेड कोर्स रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप जरूर विजिट करिए ABC ग्रुप को। थैंक यू।